तो आज हम देखेंगे कुछ दुनिया के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जिनके तुम्हें मिलेंगे सिर्फ दो ऑप्शंस एंड तुम्हें उन दोनों ऑप्शंस में से चूज करना है। एंड या ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ कभी कभार बहुत ही ज्यादा हार्ड भी हो जाता है एंड हमें समझ में भी नहीं आता हम कौन सा ऑप्शन चूज करें। सो यस एवरीवन, वेलकम टू एन इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड आज हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं इन्हें बोलते हैं वुड यू रादर क्वेश्चंस। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। ओह नो भाई, आई नो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा होगा। उनमें से एक ऑप्शन यही होगा कि तुम अपनी आंख में नींबू का जूस डालना चाहोगे या नहीं। ओके, दिस इज ऑलरेडी लुकिंग इंटरेस्टिंग, लेट्स गो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वुड यू रादर लिव लॉन्ग एंड सैड, और तुम फोटो में देख सकते हो ये औरत कितनी सैड है, और लिव शॉर्ट एंड हैप्पी। एंड यहां पे ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है और हैप्पी है, शॉर्ट तो नहीं पता। ओके, आई मीन टू से क्वेश्चन पूछ रहे कि तुम ज्यादा जीना चाहोगे बट तुम सैड होगे, या तुम कम जीना चाहोगे बट हैप्पी होगे। एंड भाई लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, जिसकी ऑलरेडी थोड़ी सी है कमी। तो आई थिंक सो यहां पे क्लियर है कौन क्या चूज करेगा। आई मीन ऑब्वियसली आई वुड चूज टू बी हैप्पी एंड लिव शॉर्ट। ठीक है भाई, कम से कम खुशी खुशी तो गए, उदासी में तो नहीं गए। यस, दिस क्वेश्चन वाज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड यू रादर गेट मैरिड टू अ स्ट्रेंजर और गेट मैरिड टू एन एक्स। इसका आंसर भी सबको पता है एंड आई थिंक सो इस पे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। शायद ही मैंने कभी पहले ही बोला होगा, बट अगर कोई तुम्हारा एक्स है, कोई भी हो सकता है मेल फीमेल, तो वो किसी रीजन की वजह से तुम्हारा एक्स है, तुम उससे शादी का तुम उसके पास भी क्यों जाना चाहोगे वापस। तो या इट्स बेटर टू गेट मैरिड टू अ स्ट्रेंजर। आई नो इसमें भी काइंड ऑफ रिस्क है, बट इट्स बेटर देन गेटिंग मैरिड टू अ प्रॉब्लमेटिक पर्सन। यस, बिक्सु द डेटिंग कोच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रादर नेवर ईट आइसक्रीम अगेन, ओह नो, और नेवर ईट पिज्जा अगेन। और टेक्निकली मुझे आइसक्रीम भी पसंद है एंड जो मुझे देखते हैं उन्हें पता है मुझे पिज्जा भी बहुत ज्यादा पसंद है। दिस इज हार्ड। देखो, आइसक्रीम का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। आइसक्रीम इज आइसक्रीम, आइसक्रीम का क्या रिप्लेसमेंट होएगा। बट ऑन दी अदर हैंड पिज्जा के अलावा तुम और भी बहुत सारी चीजें खा सकते हो, ठीक है, जैसे मार्गरीटा, गार्लिक ब्रेड। आई नो मार्गरीटा भी पिज्जा में आता है बट इन्होंने सिर्फ पिज्जा बोला है। तो यस, आई वुड नॉट चूज नेवर ईट आइसक्रीम अगेन ऑब्वियसली। एंड हाँ, पिज्जा की जगह पिज्जा के डुप्लीकेट भाई खा लेंगे हम। एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रादर एबल टू स्पीक all languages, oh bro that would be so cool, or be able to communicate with animals, oh ye bhi kitna cool hoega, like agar tumhe kisi animal ko pet karna hai tum seedha bologe oye chotu come here। It's time to get some pet and wo tumhari baat samajh jayega, warna abhi tum aise bologe oye chotu come here खाना, उनको बस यही सूझेगा। लगता है मालिक ने खाने के लिए बुलाया है। एंड या तुम टू बी ऑनेस्ट तुम लैंग्वेजेस सीख सकते हो जो ह्यूमन बोलते हैं, ठीक है, बट जो एनिमल्स बोलेंगे वो तो भाई एक अलग लेवल का क्या हो जाएगा, सुपर पावर हो जाएगा एक अलग लेवल का। तो या सेकंड ऑप्शन, बी एबल टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स, दैट वुड बी चुम्मेश्वरी। रास्ते पे चल रहा हो, कोई भी तुम्हें एनिमल पसंद आ गया सीधा, भाई छोड़ दोस्त बन मेरा चल। हाँ मतलब वो बात अलग है, वो बनना नहीं चाहे या पता नहीं। All right, would you rather be dropped in the middle of the desert or be dropped in the middle of the ocean? भाई सच बताऊं तो दोनों ही डेंजरस हैं एंड मुझे दोनों ही चीजें डरा रही हैं सच बताऊं तो। देखो, ओशन के बीचों बीच अगर तुम्हें नहीं पता ना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, उससे ज्यादा डरावनी कोई चीज नहीं होगी। लाइक तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें कब आके कौन खा जाएगा, या तुम्हें कब आके कौन स्टिंग कर जाएगा, कौन कितना पॉइजनस हो वहां पे, तुम उतनी देर तैर भी पाओ या नहीं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम डेजर्ट के बीचों बीच हो, बीचों बीच तो पानी तो भूल जाओ और तुम्हें कितना चलना है तुम्हें ये भी नहीं पता। बट टू बी ऑनेस्ट ना, डेजर्ट में बचने के चांसेस ज्यादा होंगे रादर देन मिडल ऑफ द ओशन के, क्योंकि अगर तुम डेजर्ट के बीचों बीच हो तो हैबिटेट तो वहां पे होगा ही नहीं, इतने एनिमल्स भी कौन से ही होंगे खुखार, ज्यादा से ज्यादा रैटल स्नेक होगा उससे तो तुम बच ही जाओगे, लेकिन भाई तुम ओशन के बीच में हो, तुम ओशन वाले एनिमल से तो नहीं तेज भाग पाओगे, कम ऑन। तो या आई वुड रादर चूज टू बी ड्रॉप्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, एंड वो भी अपने आप में ही स्केरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई डैम मुझे मजा आता है ऐसी वीडियोस में। और हाँ, तुम भी अपने कमेंट्स में प्लीज अपने व्यूज अपने ओपिनियंस देना मत भूलना, क्योंकि ऐसे टाइप की वीडियोस के कमेंट्स में जरूर पढ़ता हूँ, मुझे दूसरों के डिस्कशंस पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो यस, तुम भी बताते रहना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रादर बी एलर्जिक टू चॉकलेट, कुछ लोग होते हैं, और बी एलर्जिक टू स्मार्टफोन्स। भाई आज के जमाने में ना, बीइंग एलर्जिक टू स्मार्टफोन विल बी अ बून, एक वरदान की तरह होगा वो। लाइक तुम समझ रहे हो, आज के टाइम पे लोगों के हाथ से 5 मिनट से ज्यादा छूट नहीं सकता है फोन। आई एम नॉट इवन किडिंग, द ओनली टाइम दे लीव देयर फोन इज व्हेन वो चार्ज हो रहा होता है, और तब भी हम मम्मी को जाके परेशान कर रहे होते चार्ज पे लगा के, या घर में किसी इंसान को। तो हाँ, मैं सच बताऊं तो आई वुड रादर चूज टू बी एलर्जिक टू फोन्स रादर देन बीइंग एलर्जिक टू चॉकलेट। भाई चॉकलेट से कौन होना चाहेगा, हेलो, चॉकलेट तो चॉकलेट के बिना जिंदगी थोड़ी ना है। वुड यू रादर हैव द पावर टू हील इलनेस, एनी इलनेस, ओह डैम, और हैव द पावर टू रीश्योर, क्या बोला तूने, व्हाट इज दिस ब्रो,
रेजरेक्ट रेजरेक्ट मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, नया वर्ड सीखने को मिला। रेजरेक्ट द डेड, ओ मतलब कि तुम जो डेड है उसको वापस से पैदा कर सकते हो, आई मीन जिंदा कर सकते हो, पैदा पैदा ही साउंडिंग वियर्ड। ओ या बेसिकली इट मींस रीस्टोर लाइफ। ब्रो दैट वुड बी सो कूल। बट होल्ड अप यार, ये ना काफी ज्यादा डीप क्वेश्चन है यार, मैं नहीं इतना डीप जाना चाहता, प्लीज मैं नहीं यार। ओके चलो फिर ठीक है जाते हैं। देखो जो डेथ इलनेस से होंगी, फर्स्ट वाले ऑप्शन को तुम लेके उन चीजों को क्योर कर पाओगे, बट कुछ हादसों से या कुछ अननोन सोर्सेज की वजह से डेथ हो जाती है उसको तुम नहीं कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड ऑप्शन है उसमें तुम अगर इलनेस से हुई है डेथ उसको तो तुम रिस्टोर कर ही पाओगे, बट तुम किसी भी चीज से अगर कोई डेथ हुई हो तुम सबको कर सकते हो रिस्टोर। सो सेकंड ऑप्शन इज काइंड ऑफ कूल। एंड हाँ, इतना डीप में जाके मैं सेकंड ऑप्शन ही चूज करूंगा ऑब्वियसली। एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रादर फाइंड योर ट्रू लव ओके और गेट योर ड्रीम जॉब। यार देखो अगर तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिल गई है ना तो आज के जमाने में तुम्हें ट्रू लव बिल्कुल मिल जाएगा। ओके मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, दिस इज काइंड ऑफ ट्रू किसी हद तक, मतलब पूरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्सक्यूज मी। जरूरी नहीं है तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब तुम्हारा ट्रू लव दिलाई देगी, बट ऐसा होते हुए देखा है मैंने, ड्रीम जॉब वालों से ट्रू लव होते हुए देखा है मैंने लोगों को। तो हाँ, ट्रू लव से घर नहीं चलेगा। आई नो मेरे से ज्यादा इमोशनल बंदा कोई नहीं है, बट मैं फर्स्ट ऑप्शन कभी नहीं चूज करूंगा, मैं चूज करूंगा सेकंड ऑप्शन। यस दिस वर्ल्ड मेड मी हार्टलेस। All right, would you rather be a billionaire with no friends and family? Bro, then you are not a billionaire, I'm sorry. अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है इतने पैसे होने के बाद भी और तुम्हारी फैमिली तक नहीं है, भाई priceless चीज। And the second one is be an average person with people who love you. मैं बोलने वाला था second option ही तो है, but last वाली line थोड़ा doubtful है। But yeah, मेरी नजर में second वाला जो option है वो ज्यादा happy है। Like अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं भी, तुम्हारे पास दोस्त नहीं है जिनके साथ तुम खर्चो, तुम्हारे पास फैमिली नहीं है जिनपे तुम खर्चो, तो आई डोंट थिंक सो फर्स्ट ऑप्शन भाई एग्जिस्ट भी करता है मेरे लिए। सेकंड ऑप्शन इज नाइस, बी एन एवरेज पर्सन विद पीपल हु लव यू, ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज हैव अ स्लो इंटरनेट कनेक्शन। ओह नो दैट इज सो इरिटेटिंग, दैट इज सो इरिटेटिंग। और लाइक दिस वीडियो ब्रो, व्हाट, ठीक है लाइक दिस वीडियो, मैं भी अपनी वीडियो खुद ही लाइक कर देता हूं। भाई कितने चंट होते हैं यार ये लोग। All right, next question. Eat this burger or feed him? Oh no, he's such a cute puppy. भाई no doubt अगर ऐसे कोई starve कर रहा होगा puppy तो I would rather give it to him. और हर मैं ऐसे judge नहीं कर रहा हूँ pronounce. भाई क्या जमाना आ गया, मेरे को dogs के pronounces करने में डर लग रहा है। But यार भाई burger तो तुम कभी भी खा सकते हो ना, वो तो puppy है, वो कैसे कमाएगा, कैसे burger खाएगा, वो किसी को बोल भी नहीं सकता, no communication, no nothing. तो हाँ, feed him. Good. Happy puppy, happy me. All right, next question. Would you rather never play video games again? Ah, this hurts. Or never watch Netflix again? देखो, first option तो मैं बिल्कुल नहीं choose करूँगा, क्योंकि Netflix के अलावा भी इतने सारे OTT हैं। मैं ये नहीं कह रहा Netflix is bad. No, मैं ये नहीं कह रहा. But जो Netflix वाली चीजें होती हैं, वो इधर उधर मिल जाती है थोड़ी बहुत. तो हाँ, I would never choose to never play video games again. That means मैं second option choose करूँगा. तो yes, next question. Would you rather know the date of your death? Okay. Or know how you are going to die? Ooh. Bro, second option. पूछो क्यों? यार अगर तुम्हें तुम्हारी डेट पता चल जाए ना, तुम कब मर रहे हो, तुम back of the mind ना उस चीज को लेके हमेशा रहोगे कि ओह नो एक दिन कम हो गया, ओह नो एक साल कम हो गया, पास आ गए भाई दिन, अब तो गया मैं बस इतने टाइम में। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ ये पता होगा कि तुम कैसे मरने वाले हो, तो हाँ शायद तुम थोड़ा ज्यादा टेंशन फ्री जी पाओगे। अब Until unless वो एकदम ही brutally हो तो भाई मैं नहीं बोल सकता कुछ, बट फर्स्ट वाला तो नहीं भाई, मेरे जैसा चिंतामणि तो बिल्कुल भी नहीं फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जी पाएगा, ना 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 ना, सेकंड ऑप्शन इज वे बेटर। वुड यू रादर लुक यंग एंड फील लाइक एन ओल्ड पर्सन? ओह दैट इज सो बैड, दैट इज सो बैड। और लुक ओल्ड बट फील लाइक एन यंग पर्सन? देखो अगर तुम यंग दिख भी रहे हो ना और तुम एक ओल्ड पर्सन की तरह फील कर रहे हो, यानी कि नो एनर्जी, नो नथिंग, नो ब्राइट आइडियाज, आई मीन मैं ऐसा नहीं कह रहा ओल्ड बंदों को ब्राइट आइडियाज नहीं आते, बट समझो यार वो एक फ्रेशमैन नहीं फील होगी तुम्हें बॉडी में, एक वो जो एनर्जेटिक वो नहीं फील होएगा। बट ऑन दी अदर हैंड तुम बूढ़े से दिखोगे लेकिन तुम होगे यंग, तो हाँ एनर्जी रहेगी दुनिया घूमने की, क्योंकि मोस्टली ओल्ड लोगों का यही रिग्रेट होता है कि उनके पास ना अब एनर्जी नहीं बची, उनके पास टाइम भी तब होता है, उनके पास पैसा भी होता है, बट समझ रहे हो एनर्जी नहीं होती चीजें डिस्कवर करने की। तो हाँ सेकंड ऑप्शन मैं फिर भी चूज करना चाहूंगा, फर्स्ट ऑप्शन तो नया ब्रा नया। ऑलराइट, वुड यू रादर चेंज योर एज व्हेनेवर यू वांट ओके और चेंज योर जेंडर? यस मैं यूट्यूब फ्रेंडली होके बोल रहा हूँ, चेंज योर जेंडर व्हेनेवर यू वांट। यार अगर मैं अपनी एज चेंज कर पाऊंगा तो क्या ये बार बार के लिए है या मैं एक बार कर सकता हूँ बस? अगर ये बार बार के लिए तो भाई गिव मी द फर्स्ट ऑप्शन, मैं सेकंड ऑप्शन देखने भी नहीं वाला। बट जैसा ये पूरा संसार हार्ड है हम लड़कों के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों के ऊपर नहीं है, बट ट्रस्ट मी वी आर वेरी लोनली, आई मीन नॉट मी, मेरे पास तो
फैमिली है, बट हाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो लोनली है। एंड यार मैं इतना इस क्वेश्चन को सैड क्यों बना दे रहा हूँ, I will choose the first option to be honest. बस that's it. Next question. मैं second भी choose करना चाहूँगा, मतलब लेकिन हाँ first मैं ज़्यादा choose करना चाहूँगा. Would you rather give up social media or give up on your favorite food for the rest of your life? यार social media तो देखो मेरी ज़िंदगी है, मतलब मेरी job ही social media है. तो मैंने अगर give up कर दिया social media पे तो मेरा तो existence ही खत्म हो जाएगा. फिर तुम लोगों को पता कैसे लगेगा भिक्षु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. Oh, on this note, please go and follow my Instagram. Yes, मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी pics upload करने का try करता हूँ. I mean तुम आगे देख सकते हो. एंड यस, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुम फॉलो कर लेना, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा फॉलो करने के लिए, बट या आई एम जस्ट सेइंग आई हैव अ इंस्टाग्राम टू, तो जाके कर लेना फॉलो प्लीज एंड पोस्ट लाइक कर देना. नाइस, ओके. हाँ, द नेक्स्ट ऑप्शन वॉज की फेवरेट फूड पे गिव अप कर दो. और पिज्जा पे तो मैंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया ना पिछली बारी में, तो हाँ ठीक है फेवरेट फूड पे गिव अप. नॉट गिविंग अप ऑन सोशल मीडिया, आई मीन ओके अगर सोशल मीडिया मेरी जॉब नहीं होती ना, नॉट गोना लाय, मैं फर्स्ट ऑप्शन इजिली पिक कर लेता. यप, ये मैं बोलना भूल गया, सॉरी. हाँ, अगर सोशल मीडिया मेरी जॉब नहीं होती तो. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी रिच एंड अगली और बी पुअर एंड गॉर्जियस. भाई तुम रिच हो तो तुम अगली तो बिल्कुल नहीं हो, आई एम सॉरी टू से, दिस इज हार्श ट्रूथ आज के टाइम में, प्लीज समझो मेरी बात को. बट अगर तुम पुअर एंड गॉर्जियस हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा सिंपथी जरूर मिल जाएगी लोगों से कि ओ पुअर कम हियर. ये क्या कर रहा हूँ मैं, बट हाँ आई वुड रादर बी रिच एंड अगली. मैं कुछ बोलने वाला था यहाँ पे बट मैं नहीं बोलूंगा. सेकंड ऑप्शन इज काइंड ऑफ मतलब सिंपथी पे जीने वाली चीज. यार अगर तुम गॉर्जियस हो ना तब तुम पुअर भी नहीं हो सकते, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो. लाइक एक वक्त को सोचो, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें आज के जमाने में तो और ज्यादा, जो इतना अच्छा दिखता है भाई उसको यू फॉलोअर्स मिल जाते हैं. तो हाँ दोनों ऑप्शन में यू हैव अ प्लस पॉइंट, अगर तुम्हारे में दिमाग है तुम सेकंड ऑप्शन से और भी ज्यादा रिच हो सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव अ पॉज बटन इन योर लाइफ वो ओके और हैव अ रिवाइंड बटन इन योर लाइफ. डूड भाई आई वुड रादर हैव रिवाइंड बटन, ट्रस्ट मी, क्योंकि पॉज बटन तो फिर सब पॉज हो जाएंगे ना, बस मेरे को पता है मैं पॉज नहीं हूँ. लेकिन रिवाइंड बटन में जो तुम्हारा फेवरेट तुम्हारी मेमोरी हो तुम्हारी चीजें हो तुम उन्हें वापस से रिवाइंड कर करके देख सकते हो. ओह दिस दैट विल बी सो गुड. सेकंड ऑप्शन यप सेकंड ऑप्शन, लेट्स गो. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज द एबिलिटी टू रीड ओके और लूज द एबिलिटी टू स्पीक. Oh damn, भाई नहीं, मैं like imagine भी नहीं कर सकता बिना बोले जिंदगी कैसी हो सकती है भाई, कितनी डल हो जाएगी जिंदगी. एबिलिटी टू रीड देखो अगर मैं भूल भी गया ना तो मैं वापस से रीस्टार्ट कर सकता हूँ, बट एबिलिटी टू स्पीक मैं बोलना कैसे सीखूंगा दोबारा से. नहीं मैं बोलना भी सीख सकता हूँ यार, ये तो दोनों ही चीजें, बट आई वुड रादर लूज द एबिलिटी टू रीड रादर देन स्पीक. बिना बोले नहीं चलने वाला मेरा काम, और वो भी मेरे जैसा जो इतना बोलता है. नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस में बोलता हूँ, मैं रियल लाइफ में बहुत ही शांत इंसान हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी. आई मीन यार मैं क्लोज वंस के साथ नहीं हूँ इतना शांत, बट हाँ इन जनरल मैं बहुत शांत बंदा हूँ. यस मैं इतना बड़बड़ नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रादर सेव 100 किटन्स क्यूटी और सेव 50 पपीज. ब्रो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, ओ माय गॉड भाई ये क्या क्वेश्चन है. तुम जरा बताना, वुड यू रादर सेव 100 किटन्स और तुम 50 पपीज को, या तुम 50 पपीज को बचाना चाहोगे और 100 किटन्स को. यार ओके देखो यहाँ पे मैं ना थोड़ा लॉजिक लगाने वाला हूँ. देखो 100 नंबर ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे किटन्स हैं, मेरे को डॉग्स मेरे को पपीज भी बहुत पसंद है, बट मैं 50 ज्यादा लिविंग बींग्स की जान बचाऊंगा. ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, आई डोंट नो. ओके आई विल चूज फर्स्ट ऑप्शन यार, उसमें मैं 50 ज्यादा लोगों की जान बचा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू रादर बिकम अ बिलियनियर और लिव लाइफ ट्वाइस एज लॉन्ग. नहीं यार इस केस में तो मेरे को बिलियनियर बना दो, एक ही जिंदगी ठीक है, बिलियनियर बन के भाई जी लेंगे सब खत्म कर देंगे, मतलब व्हाट सब खत्म कर देंगे, आई मीन टू से सब ऐश करके सब कुछ है ना सब कुछ खत्म कर देंगे एकदम एंड में कुछ बचे ही ना. फर्स्ट ऑप्शन इज काइंड ऑफ नाइस टू, आई मीन मेरे को लग रहा है मोस्टली लोग यही चूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू रादर नॉट स्लीप फॉर 5 days, मैक्सिमम मैंने किया है 2-3 दिन, और नॉट ईट फॉर 10 days. ब्रो ये मेरे से एक दिन से ज्यादा नहीं होता, अगर तुम्हें नहीं पता ना मुझे वो वाला सिर दर्द होने लग जाता है जिसमें ना खाते हो तो सिर दर्द चालू हो जाता है. मैंने क्या बोला है अभी, आई मीन अगर मैं ज्यादा देर तक ना खाऊं तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है बेसिकली यार. ओ डैम मेरा ना सोने से भी सर दर्द होता है, ब्रो तो मैं फंस गया भाई. नहीं आई वुड रादर नॉट स्लीप फॉर 5 days. नहीं खाना 10 दिन तक, ओ नो ब्रो That would be worse. तुम्हें नींद भी नहीं आया करेगी अगर तुमने 7 दिन तक खाना नहीं खाया. 7 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ. Okay, next question is eat only candy
और ईट ओनली जंक फूड। ब्रो फर्स्ट ऑप्शन तो अपने आप में ही गलत है, कैंडी से सारा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। देखो जंक फूड में ना, मैं ये नहीं कह रहा जंक फूड बढ़िया होता है, बट जंक फूड से तुम्हें फिर भी कैंडी से तो ज्यादा ही न्यूट्रिशन मिल जाएगा। कैंडी में क्या, कैंडी आज क्या हो रहा है, कैंडी में तुम्हें क्या ही मिलेगा, ग्लूकोज स्वीट, उसके अलावा नहीं मिलेगा कुछ। आई मीन एट द एंड हमारा खाना ग्लूकोज में तो कन्वर्ट हो जाता है, बट यार तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा कैंडी से। बट यू कैन हैव थोड़ा सा न्यूट्रिशन फ्रॉम जंक फूड, वो अलग बात है, वो भी अनहेल्दी है, लेकिन कैंडी से ज्यादा इतना अनहेल्दी नहीं होगा। जाओगे तुम दोनों में ही, लेकिन जंक फूड में थोड़ा टाइम मिल जाएगा तुम्हें, कैंडी में काफी ज्यादा जल्दी टपक जाओगे। एंड विद दैट आज के क्वेश्चन होते हैं ये पे खत्म। आई होप तुमने कमेंट्स में बातचीत की हो थोड़ी, मेरे लिए पास कुछ पढ़ने के लिए हो गया हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। बीट पे गदर मचेगा, खटेगा यो पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।